एक सवाल है हमारे सारे जरा एक्सपर्ट्स के लिए, कहाँ हैं सारे, बताइए भाई साहब, आप लोगों का आईक्यू टेस्ट किया जाए, कल का दिन क्यों खास है? कोई जवाब अपने अपने हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं, मुझे पता है आप, पूरा भरोसा है आप में से कोई सही जवाब देगा नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट। जी जी जैन साहब बोलिए। यस सर, आजा। ये कल थिएटर डे है, शायद नेशनल थिएटर डे, इसके लिए आप शायद बात कर रहे हैं सर। और मूवीज देखना और ये सब देखना तो सबका शौक ही है। अच्छा थिएटर दे वो, अच्छा ओके, और किसने हाथ खड़ा किया? हाँ बंसल फ्लाइट जी, है बंसल जी बोलिए। अनिल जी, वो कुशल से पूछिए अनिल जी, जो पूछते हैं मेरे को लग रहा है कुछ खेल से जुड़ा हुआ, क्रिकेट विकेट का कुछ, कल कुछ मैच वैच होगा अनिल जी। मुझे अब खुद तो जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं उससे कुशल से पूछो। पूछो। अच्छा वेरी गुड बंसल जी, ओके। हाँ मेहुल जी, अनिल जी, हमारे ये तो इसलिए खास है कि कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे कुछ काम नहीं है मुझे। फ्राइडे को करते हैं आप? आज के माहौल को देखते तो लग नहीं रहा आप कल कल काम करेंगे। ओके एनीवन एल्स? कोई कुणाल नहीं, जी का अच्छा किसी का जवाब नहीं। ओके कुणाल जी, जी। कुणाल जी बताइए। हाँ अनिल जी, वैसे मेरा जवाब गलत ही होगा, लेकिन अनिल जी जवाब यह है कि कल फ्राइडे और 13th है, हाँ तो फ्राइडे द 13th आमतौर पर थोड़ी चिंता पैदा करता है अनिल जी, वही दिन है कल। फ्राइडे द 13th, द जनरली वो ब्लैक फ्राइडे जो 13th को ही होता है ना, वैसा ऐसा गंदे गंदे विचार आ रहे हैं इनके दिमाग। जय भी हमारा साथ जी। जय अनिल जी, कल 99 रुपीज में टिकट मिलेगी अनिल जी, जो पिक्चर देखना है अनिल जी, आई थिंक कल क्राउड काफी रहेगा। ये खाने पीने बस का, वही मैं बोल घूमने रहा हूँ। फिरने का, पिक्चर विक्चर का, सच्चा गुजराती। स्नैक्स कितने में ओहो हाँ मिलेंगे? हाँ मतलब ऐसा आदमी मिलेगा नहीं ढूंढने से आपको एकदम। ये कहाँ से लाते हैं इतनी नॉलेज आप? अनिल जी, ये सब तो पता ही होना चाहिए अनिल जी, फायदे वाली चीजें तो पता ही होनी चाहिए अनिल जी। हाँ यही फर्क है जैन साहब में और जय में। पहुंचे तो जैन साहब भी सही रास्ते पे वहीं थे, लेकिन जैन साहब जय आगे निकल गए थोड़े से। बिल्कुल, पूरे कल है के वर्ल्ड सिनेमा डे, साथ। यानी कि कल 99 रुपए में आपको पिक्चर देखने का मिलेगा मौका। यस, तो क्या है कल का दिन, क्यों है खास, बता रहे हैं नुपुर, आप सब सिनेमा लवर्स के लिए। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, सबने बताया दिया करेक्टली, कल 99 रुपीज में टिकट मिलेगी, मूवी टिकट, क्योंकि नेशनल सिनेमा डे है कल, और 4,000 स्क्रीन्स में जो है आपको 99 रुपीज में टिकट मिल जाएगी। फूड एंड बेवरेज की भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि उस पर भी आपको छूट मिलने वाली। इनफैक्ट पीवीआर आईनॉक्स का तो कहना है कि पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और बाकी के फूड आइटम्स भी है, उनकी कीमतें जो है वो 99 रुपीज से शुरू होंगी। तो टिकट भी आपको 99 रुपीज में मिलेगी, फूड एंड बेवरेज भी 99 रुपीज से शुरू होंगे, तो डबल बेनिफिट आपको कल मिलेगा। कल फ्राइडे भी है तो आप मूवी देखने जा सकते हैं। फिलहाल वर्ल्ड कप के चलते कोई बड़ी रिलीज तो नहीं है कल, लेकिन अगर आपने मिस किया है, फुकरे 3 जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, साथ ही साथ उसके साथ रिलीज हुई थी थैंक यू फॉर कमिंग, मिशन रजनीगंध जवान, जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, साथ ही साथ गदर 2 अभी भी सिनेमा में लगी, अगर आपने मिस कर दिया तो कल आप 99 रुपीज में जाकर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल हमने देखा था कि नेशनल सिनेमा डे पे करीबन 65 लाख लोग जो है वो मूवी देखने गए थे, और इस साल अब तक कमाना जा रहा है कि जो एडवांस बुकिंग हो रही है और जो टिकट सोल्ड आउट हो रही है वो भी काफी स्ट्रांग है। फुकरे 3 में देखे तो करीबन 1,25,000 टिकट्स बिक चुकी है कल के लिए, मिशन रजनीकांत में देखे तो 1,03,000 टिकट्स बिकी है, और जवान की भी पीछे पीछे नहीं है, 85,000 टिकट्स यहाँ पर भी बुक हो चुकी है कल के लिए। अभी फिलहाल कोई नई रिलीज नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो दिवाली के पास ही आपको बड़ी मूवीज रिलीज होती हुई दिखेगी। सबसे ऊपर और सबको इंतजार है टाइगर 3 का, जो नवंबर 10 तारीख को रिलीज होने वाली है, और इसके अलावा दिसंबर में भी अगर आप देखेंगे तो मेरी क्रिसमस 8 तारीख को रिलीज होगी, और धुनकी देखें तो 22 दिसंबर का जो लॉन्ग वीकेंड होगा क्रिसमस वाला, तब रिलीज होने वाली है। तो इंटरेस्टिंग है नेशनल सिनेमा डे, 99 रुपीज में टिकट खरीदिए, और साथ ही साथ 99 रुपीज में फूड एंड बेवरेज की भी शुरुआत हो रही है, तो दोनों पैकेज आपके लिए मजेदार होने वाले हैं। ओके तो क्या फूड एंड बेवरेजेस पर भी हो रहा है? 99 रुपीज से शुरुआत है। अरे वाह, मतलब 99 रुपए में अनलिमिटेड फूड? अनलिमिटेड तो नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, मतलब 99 में कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ तो मिल ही जाएगा।
समोसे मिलेंगे और क्या मिलेगा, 99 में छोटा वाला पॉपकॉर्न भी मिल सकता है, छोटा वाला पॉपकॉर्न, छोटा वाला पेप्सी टाइप छोटा सा, वैसे ही और क्या मिलेगा, क्यों अब तो 99 में तो कुछ भी नहीं मिलता सर। जो आमतौर पर बंसल जी को जो भरा पूरा वो भरा पूरा टब चाहिए वो नहीं, वो नहीं सर, बंसल जी थोड़ा सा मिलेगा चलेगा। नहीं अनिल जी एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अनिल जी नूपुर तो मूवी देखते नहीं अनिल जी, 99 रुपीज में मिलेगा तो सिर्फ पानी की बोतल अनिल जी, कुछ भी नहीं आता 99 रुपए में, और वो जो रिफिल वगैरह वाला पॉपकॉर्न अनिल जी उनके भी प्राइस बढ़ाए हैं, तो शायद 350 प्लस वाला जो टब आता है ना उस सबसे बड़े वाले में अनिल जी वो रिफिल है, तो 99 रुपीज में सिर्फ पानी की बोतल मिलेगी। ओके तो कल कंसेशनल नहीं होगा खाने पीने का, ये कल पीविया ने कहा कि 99 रुपए से शुरुआत पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक इंक्लूडेड है उसमें। ओके चलिए बढ़िया है, लेकिन कम से कम मूवी तो आपको अभी कोई हिट मूवी चल रही है क्या ऐसी जिसको देखने के लिए 99 में देखने के लिए लोग टूट पड़े? जवान है ना अभी तक चल रही है क्या? गदर 2 भी चल रही है। अच्छा तो 99 में देखने वाले कल काफी मिल जाएंगे सर। ओके चलिए बढ़िया, नहीं रिलीज हो चुकी है। अच्छा कल फ्राइडे भी रिलीज भी हो रही है? नहीं हो रही है सर, वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप है। अच्छा वर्ल्ड कप में कोई रिलीज नहीं हो रही, ओके चलिए बढ़िया है। तो ये है कल, आप वर्ल्ड सिनेमा डे एंजॉय कीजिए। बहुत देर से शांत शांत से दिख रहे हैं मुझे सुमित जी। सुमित जी जरा पीवीआर के चार्ट देखिए, राय दीजिए अपनी। अनिल जी पीवीआर के अंदर अगर किसी ने पोजीशंस ले रखा है तो होल्ड करके चल सकता है, क्योंकि स्टॉक में तो एक अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है जिसमें लास्ट 10 से 15 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, 1760-70 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए जिसमें 1825 तक का मूव पीवीआर में बाउंस बैक के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, 1825 तक के लेवल पीवीआर में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके पीवीआर 1800 के लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार, नजर रखिए इस काउंटर पर, डेज हाई पर।